पद्मावती के मेकर्स ने कुछ दिनों पहले ही फिल्म के दो मुख्य किरदारों पद्मावती और राजा रावल रतन सिंह के लुक रिलीज किए थे, जिसके बाद हर कोई उत्साहित हो गया था। अगर आप दीपिका पादुकोण के पद्मावती अवतार के फर्स्ट लुक के बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर उसकी वीडियो देख सकते हैं। वैसे सब लोग अलाउद्दीन खिलजी के लुक का इंतजार कर रहे थे। अब पद्मावती के मेकर्स ने रणवीर सिंह का लुक रिलीज कर दिया है। इसे देखकर इतना ही कहा जा सकता है कि ये उम्मीद से बढ़कर है। जैसा कि मेकर्स ने पद्मावती और राजा रावल रतन सिंह के किरदारों के साथ किया था कि इनके दो दो पोस्टर्स रिलीज किए थे, वैसा ही अलाउद्दीन खिलजी के किरदार के साथ भी किया गया है। रणवीर सिंह के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अवतार में दो पोस्टर रिलीज किए गए हैं। एक पोस्टर में रणवीर सिंह पानी के टब में बैठे हुए हैं और खतरनाक तरीके से देख रहे हैं, और दूसरे पोस्टर में रणवीर सिंह सर पर ताज सजाए अपने आप को शीशे में देख रहे हैं। जब दीपिका का लुक रिलीज किया गया था, तब पूरे इंटरनेट पर उन्हीं की बात होने लगी थी। इसके बाद हमें पूरा विश्वास है कि आज सभी लोग रणवीर सिंह के लुक की ही बात करते रहेंगे। वैसे भी जिस तरह का खूंखारपन और खतरनाकपन रणवीर के चेहरे पर दिख रहा है, उसके बाद लोगों के बीच इन पोस्टर्स की चर्चा होनी बनती भी है। बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जिन्हें साउथ की फिल्मों से कॉपी किया गया है। कॉपी की गई इन बॉलीवुड फिल्मों में कुछ फिल्में हिट रही और कुछ फ्लॉप। आपको इस पैकेज में ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। 2006 में आई फिल्म कावलान का रीमेक बॉडीगार्ड 2011 में आई थी, जो कि हिट रही थी। 2006 में आई फिल्म विक्रमा कुद्रू का रीमेक राउडी राठौड़ 2012 में आई थी, वो भी काफी हिट रही। 2001 में आई इटलू श्रावणी सुब्रमण्यम फिल्म का रीमेक अनजाना अनजानी 2010 में आई थी, जो फ्लॉप रही। 2004 में आई फिल्म वेतम का रीमेक दे दनादन 2009 में आई थी, जो फ्लॉप रही। 1995 में आई फिल्म सती लीलावती का रीमेक बीवी नंबर वन 1999 में आई थी, जो हिट रही। 2008 में आई फिल्म कथानायक कुदू का रीमेक बिल्लू 2009 में आई फिल्म, जो फ्लॉप रही। 2005 में आई फिल्म गजनी का रीमेक गजनी 2008 में आई थी, जो हिट रही। 1996 में आई फिल्म अवे शर्मुखी का रीमेक चाची 420 1997 में आई थी, जो हिट रही थी। 2008 में आई फिल्म रेडी का रीमेक रेडी 2011 में आई थी, जो काफी हिट रही थी। 2003 में आई फिल्म काका काका का रीमेक फोर्स 2011 में आई थी, जो फ्लॉप रही। 1994 में आई फिल्म शुभ लग्नम का रीमेक जुदाई 1997 में आई थी, जो हिट रही। 1999 में आई फिल्म मुधालवन का रीमेक नायक 2001 में आई थी, जो काफी हिट रही थी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।